एवरीवन, सो वापिस हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही बेहतरीन डेजर्ट रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी बनफी पाई। बनफी पाई बटरी बिस्किट, टॉफी सॉस, बनाना और क्रीम की लेयर वाला एक बहुत ही बढ़िया डेजर्ट है जिसका टेस्ट आपका दिल जीतने वाला है। ये एक बहुत ही बढ़िया पार्टी डेजर्ट रेसिपी है और इसका स्वाद एकदम लाजवाब है। लेकिन इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑन कर दें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा टॉफी सॉस यानी कि डॉल्शे डिलेचे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मिल्क मेड का टिन। ये करीब 400 ग्राम का टिन है और इसे हम खोलेंगे नहीं, इसे सील्ड ही रहने देना है। और यहाँ एक कुकर में मैंने पानी भर लिया है। ये जो टिन है वो पूरा पानी में डूब जाना चाहिए और अब हम इसे एक फुल प्रेशर देंगे हाई फ्लेम पर और फिर 20 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। और जब तक हमारा टॉफी सॉस तैयार हो रहा है हम अपने बिस्किट बेस की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब 200 ग्राम डाइजेस्टिव बिस्किट और इसको मैंने छोटा छोटा तोड़कर इस ग्राइंडर जार में डाल दिया है। हमें इसका एक फाइन पाउडर तैयार करना है तो अब इसको हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे जब तक इसका फाइन पाउडर ना तैयार हो जाए। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 इंच का ये पाई मोल्ड। ये रिमूवेबल बेस वाला पाई मोल्ड है और अगर आपके पास ये पाई मोल्ड नहीं है तो आप किसी राउंड या स्क्वायर डिश में भी इसे बनाकर आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए तैयार किए हुए बिस्किट पाउडर को मैंने यहाँ एक बोल में डाल लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी करीब 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन। आपने अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेना है, एक गीली रेत जैसे टेक्स्चर इसका फॉर्म हो जाना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे ग्रीस किए हुए पाई मोल्ड में डाल देंगे। आपने केवल 3/4 डालना है, थोड़ा सा आपने बचा कर रखना है और अच्छे से हल्के से स्पून की मदद से प्रेस करते हुए हमने इसके सरफेस को एकदम स्मूथ कर लेना है, कुछ इस तरह से देखिए। और अब बाकी बचे हुए बिस्किट पाउडर को भी हम किनारों की तरफ डालेंगे और इसी तरह से स्पून की मदद से हल्के हल्के प्रेस करते हुए हम इसके साइड्स में इसको लगाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए इसके साइड वॉल्स की तरफ हमने इसको प्रेस करते हुए धीरे धीरे इस तरह से स्मूथ करते जाना है। तो बेसिकली आपने इस बिस्किट लेयर को इस पाई मोल्ड के शेप में ही तैयार कर लेना है और अब एक ग्लास की मदद से हम इसके सरफेस को एकदम स्मूथ कर लेंगे। और अब हम इसे फ्रिज में करीब 1 घंटे तक के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और यहाँ हमारे टॉफ़ी को भी तैयार होते हुए करीब 25 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर भी इसका पूरा रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए कुकर को खोल लेते हैं और बहुत ही केयरफुली आपने इस टिन को बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद हमने इसे अच्छे से ठंडा होने देना है, इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आपने आने देना है। तो चलिए इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए हमारा टिन अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे कैन को। तो देखिए ये हमारा टॉफ़ी बिल्कुल तैयार है, कितना बढ़िया हमारा ये टॉफ़ी बनकर तैयार हो गया है। सॉस एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही क्रीमी हमारा ये टॉफ़ी बनकर तैयार हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी टॉफ़ी थोड़ी हार्ड है, स्प्रेडेबल नहीं है, तो उसको आप माइक्रोवेव में करीब 20 या 30 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिए। तो मैंने यहाँ इस तैयार किए हुए टॉफ़ी को इस बोल में शिफ्ट कर लिया है और अब मैं स्पून की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा चला लूँगी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और क्रीमी हो जाए। और यहाँ हमारे बिस्किट लेयर भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो इस तैयार किए हुए टॉफ़ी को हम बिस्किट लेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। पूरा इवनली आपने इसको स्प्रेड करना है, चम्मच या स्पैटुला की मदद से आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसे इवनली पूरा स्प्रेड कर लिया है, ये अच्छे से कवर कर चुका है बिस्किट के लेयर को। और अब हम इसे फिर से दोबारा 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जब तक ये टॉफ़ी लेयर सेट हो रहा है हम यहाँ क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ करीब 150 ml व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। अब मैं इसे 8 से 10 मिनट तक हाई स्पीड पर व्हिप कर लूँगी जब तक कि इसका एकदम स्टिफ पीक ना बन जाए। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है व्हिप होकर। अगर आप बोल को उल्टा भी करेंगे तो भी ये नीचे नहीं गिरेगा, इसका मतलब ये एकदम तैयार है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्टार नोजल और साथ में मैं ले लूँगी एक पाइपिंग बैग और इस नोजल को मैं इस पाइपिंग बैग में डाल दूँगी और फिर पाइपिंग बैग को हम ग्लास में सेट करके रख देंगे। इससे क्या होता है कि क्रीम को भरने में बहुत आसानी हो जाती है। और हम तैयार किए व्हिप्ड क्रीम को इस पाइपिंग बैग में अच्छे से भर देंगे। बनफी पाई में जो लास्ट लेयर होती है वो इस व्हिप्ड क्रीम की ही होती है। तो मैं इस क्रीम से उसमें डिज़ाइन बनाने वाली हूँ इस नोज़ल की मदद से। अगर आप डिज़ाइन बनाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्लेन क्रीम को उसके ऊपर स्प्रेड भी कर सकते हैं।
और अब इस कोन को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब 3 पके हुए बनाना, इनको मैं राउंड स्लाइसेस में कट कर लूँगी। इसमें करीब 3 से 4 बनाना लगते हैं, तो आप डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा डिश यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको बनाना यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सारे बनाना काट लिए हैं और हमारा टॉफ़ी वाला लेयर जो है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो मैं बनाना स्लाइसेस को इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से अरेंज कर लूँगी। तो मैं यहाँ 2 लेयर बनाना की लगाऊँगी, तो पहली लेयर लग चुकी है और ये दूसरी लेयर भी मैं अच्छे से लगा लूँगी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये ऑलरेडी। और बनाना की ये थिक लेयर लगाने के बाद अब लास्ट लेयर होगी हमारे व्हिप्ड क्रीम की। तो मैं इस नोज़ल की मदद से इसमें व्हिप्ड क्रीम से ये डिज़ाइन बना लूँगी और इस बनाना लेयर को हम पूरे इस व्हिप्ड क्रीम से कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन इसमें बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो प्लेन इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और इस बनफी पाई को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कोको पाउडर। हल्के से मैं इसे पूरे पाई के ऊपर डस्ट कर लूँगी इस छन्नी की मदद से। आप चाहे तो इसे चॉकलेट फ्लेक्स या फिर जो बिस्किट का पाउडर है उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से चॉको चिप्स। चॉको चिप से अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे और फिर करीब 6 से 8 घंटे तक फ्रिज में सेट होने देंगे और 8 घंटे बाद बाहर निकालेंगे। और अब आता है इसका सबसे ट्रिकी पार्ट, पाई को मोल्ड से अलग करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है, उसके ऊपर मैंने बहुत केयरफुली इस पाई के मोल्ड को रख दिया है और धीरे से उसके रिम को हम नीचे की तरफ पुल कर देंगे। तो देखिए ये हमारा बेनिफी पाई बहुत ही खूबसूरती से इस पाई मोल्ड से निकल कर आ गया है। तो ये हमारा बेनिफी पाई बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको मैं चेरीज से डेकोरेट कर रही हूँ, तो बीच में मैंने ये चेरीज इसमें रख दिए हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बेनिफी पाई। और इसमें जो बिस्किट का लेयर है वो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनकर आया है। और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है, एक परफेक्ट पार्टी डेजर्ट रेसिपी है। इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इस पाई में बिस्किट, टॉफ़ी सॉस, बनाना और क्रीम का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं इसे इस तरह से स्लाइसेस में काट लूँगी। बहुत ही बढ़िया इसके लेयर्स बनकर तैयार हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है ये खाने में भी बहुत बढ़िया बना होगा। देखिए ये कितना परफेक्ट बना है, इसके लेयर्स देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत ये हमारा बेनिफी पाई बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे फटाफट टेस्ट कर लेती हूँ। इट्स लुकिंग सो टेम्प्टिंग, आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई इट। देखिए कितना क्रीमी ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बना है। तो दोस्तों बेनिफी पाई की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।